वापी रेलवे स्टेशन की आप तस्वीर देख रहे हैं, किस प्रकार की परिस्थिति है। ना कोई कोरोना है, ना कोई डर है कि गांव जल्द से जल्द जाना है, इसके कारण बहुत सारी भीड़ होती है, ये कोई कारण नहीं है। स्कूलों की छुट्टियां भी जो है ज़्यादातर खत्म हो गई है, फिर भी ज़्यादा भीड़ है। उसका कारण है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश और पटना के आसपास के, बिहार के आसपास के, छत्तीसगढ़ के आसपास के लोग, यहाँ पर बहुत सारे लोग बसते हैं। वापी इंडस्ट्रियल जोन होने के कारण यहाँ पर कई सारे उत्तर भारतीय लोग यहाँ पर वापी में रहते हैं, इसके कारण ये भीड़ नज़र आ रही है, ये कहना सही होगा। परिस्थिति साल दर साल इस प्रकार भीड़ की बढ़ती ही जाती है। और ये तस्वीर है कल रात सोमवार की, जहां पर बांद्रा पटना ट्रेन आने का वक्त होता है, जाने का समय होता है पटना की ओर, और हुजूम नज़र आ रहा है वापी रेलवे स्टेशन के ट्रैक नंबर 3 पर। ट्रैक नंबर 3 पर इसके लिए कि कई यहां पर एक्सीडेंट में मौतें हो चुकी है, उसके कारण एहतियात के तौर पर जो है ट्रैक नंबर 3 पर ले जाती है ये ट्रेन बांद्रा पटना। देखिए किस प्रकार मजबूरी है लोगों की गांव जाने के लिए, किस प्रकार कैसे किस हालात में जो है अंदर जा रहा है, धक्का लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है। पारिवारिक लोग भी इसमें जाते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, बच्चे होते हैं। एक कारण एक कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इनके लिए ये व्यवस्था और ज़्यादा होनी चाहिए। 7 दिनों में सिरे एक बार बांद्रा पटना जाती है, उसके कारण भी ये भीड़ का कहना गलत नहीं होगा। 7 दिन में 3 बार या रोज भी बांद्रा पटना होगी तो ये जो भीड़ है उसको निजात मिलेगा। एक पुलिसकर्मी भी व्यवस्था में जुट गए, तस्वीर में नज़र आ रहा है। यहाँ के उत्तर भारतीय के जो नेता बने हैं उन्होंने भी इनके चीज़ों के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। इनकी ट्रेनों की व्यवस्था ज़्यादातर हो और दिक्कत का लोगों को सामना ना करना पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण करनी बहुत आवश्यक है। लेकिन दैनिक तस्वीर आपने देखी सिर्फ जनता आवास भारत पर। हमारा एक ही आशय है, जनहित की खबर है कि इनको व्यवस्था मिले। भीड़ का दूसरा कारण भी ये हो सकता है कि कई सारे लोग इनको छोड़ने के लिए भी आ जाते हैं, वो भी एक कारण है भीड़ का। और जनहित की खबर देख रहे सिर्फ जनता आवास भारत पर, और इस प्रकार की खबर हम बताते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवास भारत।